Hello and welcome guys to this new video of Maths Lesson Plan, and the topic of the video is Ratio and Proportion. जैसे कि आप पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, ड्यूरेशन और क्लास लिखते हैं. इसमें आप स्कूल का नाम और अपना खुद का नाम भी ऐड कर सकते हैं. अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो उसमें जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे मैथ्स लेसन प्लान के, वही सेम जनरल ऑब्जेक्टिव इसके लिए भी आप नोट कर सकते हैं. फिर जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट, स्टूडेंट विल एबल टू लर्न अबाउट रेशो. रेशो क्या होता है उसको समझेंगे. सेकेंड है, स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूनिट ऑफ रेशो. रेशो की क्या यूनिट होती है. वैसे ही रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, पर ये बताना पड़ेगा. स्टूडेंट हैव एबिलिटी टू पुट नंबर इनटू रेशो. कैसे रेशो और प्रोपोर्शन में हम नंबर को डाल सकते हैं, उसकी एबिलिटी मिलेगी उन्हें. लास्ट है, प्रोपोर्शन के बारे में वो जान पाएंगे. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज. जो नॉलेज उन्हें प्रीवियस क्लासेस में मिल चुका है इस टॉपिक से रिलेटेड. उसके बाद आते हैं हमारे टीचिंग एड्स. जो हम पढ़ाते वक्त यूज़ करेंगे उन्हें हम नोट डाउन करेंगे, बट इसमें ध्यान रहे आप चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड को बाद में लिखिए, और आपने कोई मॉडल या चार्ट बनाया उसको पहले लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें टीचर्स क्वेश्चन करती है स्टूडेंट्स से उनका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए. जैसे कि एक पेन को शो करते हैं, बता रही है व्हाट इज़ दिस, स्टूडेंट विल आंसर पेन. फिर पेंसिल को शो करके बोल रहे थे पेंसिल. अब आप इनको रेशियो कैसे कंपेयर करेंगे, तो वो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया. तो अब हम बताएंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन. उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट, जिसमें हम टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं. अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. जैसे रेशियो क्या होता है उसकी डिफाइन. अ रेशियो इज़ अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग डिवीजन. फिर हम रेशियो को किस टाइप से लिख सकते हैं, उसको लिखने के तरीके कौन कौन से, वो हमने बता दिए कि हम रेशियो को तीन टाइप से लिख सकते हैं. फिर उसके बाद हम प्रोपोर्शन की डिफाइन देंगे. अ प्रोपोर्शन इज वन द अदर हैंड इज एन इक्वेशन दैट सेज दैट टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट. जब भी हम अगर दो रेशियो को इक्विवेलेंट कर देते हैं या इक्वल कर देते हैं तो हमारा प्रोपोर्शन बनता है. फिर हम प्रोपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल वे में, हम वो भी उन्हें बता देंगे. फिर प्रोपोर्शन को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें वो भी आइडिया होना चाहिए, तो हम वो भी एक्सप्लेन कर देंगे. हम उन्हें कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं जिससे उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो कि रेशियो क्या होता है. रेशियो हमेशा कंपैरिजन होता है, वो भी सिमिलर क्वांटिटी का. जैसे यहाँ पे 30 मिनट्स और 1.5 आवर्स है, तो या तो हम 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करें या फिर आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करें. बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है, इसलिए 1.5 आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट करा, जो कि हमारे 90 मिनट्स हो गए. फिर हमने रेशियो निकाल लिया 30/90, दैट इज़ 1/3. अब हमारा पूरा टॉपिक एक्सप्लेन हो चुका है, तो हम रिकैप्चुलेशन पार्ट लेंगे, जिसमें हम नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि जितना अभी तक हमने पढ़ाया है उन्हें समझ में आया है या नहीं. और उसके बाद हम कुछ होमवर्क देंगे ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके और वो टॉपिक पे कमांड कर सके. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले. साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके. और आपकी कोई कमेंट हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर दे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.